आरंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजाओं की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरे अध्याय में कल हम सूत्र पढ़ रहे थे भरत क्षेत्र के विस्तार के संबंध में। कल हमने नदियों के बारे में भी पढ़ा था, नदियां कौन कौन से सरोवर से कौन कौन सी नदियां निकली हैं, और उसके बाद फिर जब 14 नदियां और 14 नदियों के भी उप नदियां जो है उनकी सहायक 14,000 नदियों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आज का हमारा जो विषय है वो भरत क्षेत्र के विषय में है कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है और अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है। तो आइए हम 24 नंबर के सूत्र से प्रारंभ करते थे जहां से हमने कल छोड़ा था। आइए, भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट चैकून विंशति भागा योजनस्य। अच्छे से आप सुनिएगा सूत्र को, सूत्र का उच्चारण मैं फिर से करता हूं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षड चैकून विंशति भागा योजनस्य। यहां पर इस सूत्र में बताया है भरतः मतलब भरत क्षेत्र, भरतः मतलब भरत क्षेत्र वह कैसा है, तो कहा षड्विंशति। षड्विंशति मतलब 26, षड्विंशति का मतलब हुआ 26, और फिर आगे आया है पंच योजन शत। तो शत माने होता है 100, पंच माने होता है 5, तो यहां पर इन्होंने बतलाया है कि 500 योजन। पंच योजन शत का मतलब 500 योजन समझिएगा आप। यहां पर सूत्र में इन्होंने जो लिखा है कि पंच योजन शत विस्तार मतलब 500 योजन, ठीक है। तो यहां पर इस सूत्र में हमें बतलाया है अर्थ कि षड्विंशति मतलब 26, और षड्विंशति का मतलब हो गया 26, 26, और पंच योजन मतलब हो गया पंच शत योजन, मतलब हुआ कि 500 योजन। ये तो हो गया 26, और उसके बाद पंच योजन शत का मतलब हो गया कि 500 योजन। तो 500 योजन और 26 मतलब 526 योजन, कुल कितना हुआ, कुल हो गया 526 योजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें समझ में आ गया, ये इसका विस्तार है भरत क्षेत्र का। लेकिन इतना ही विस्तार नहीं है, सूत्र में आगे भी इन्होंने बतलाया है, क्या कहा है सूत्र में, कहा षट चैकोन विंशति। षट मतलब 6, च मतलब और, इनके अलावा 526 और, च मतलब और। देखिए यहां पर जो इन्होंने च दिया हुआ है इसका अर्थ यहां पर हमें समझना है, च मतलब और, 526 योजन और कितना है, तो कहते हैं एकोन विंशति भागा योजनस्य। योजनस्य मतलब एक योजन के, एकोन विंशति भाग, एकोन विंशति मतलब 19 भाग करने पर, षट मतलब 6 भाग, मतलब क्या, मतलब एक योजन है, एक योजन के हमने 19 भाग किए, ठीक है, 19 भाग किए। देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे ये योजन है और योजन के हमने 19 भाग कर दिए, एक
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
एक योजन के हमने कितने भाग कर दिए, 19 भाग कर दिए। इन 19 भागों में से षट भागा मतलब 6 भाग और, मतलब बाकी 19 नहीं केवल 6, 19 में से 6 बचे रहने दीजिए, बाकी के अलग कर दीजिए। तो शुरू के हमने 6 अलग कर दिए हैं और अब उसके बाद कितने बचे, इनको हम काट देते हैं, ये जो है इनको आप काट दीजिए। बाकी के जो बचे हुए हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक के ये जो 6 है इनको बस लीजिएगा। तो 19 में से 6 भाग को लेना है, मतलब 6/19, 6/19। तो 19 में से 6 भाग, मतलब कि 6/19 भाग जो है वह कितना है, वह इसका है, भरत क्षेत्र का विस्तार है। मतलब क्या, अभी थोड़ा सा और कंफ्यूजन यहां पर हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार इस सूत्र को समझाता हूँ। आप कहेंगे कभी 26 कहते हैं, कभी 500 कहते हैं, कभी 526 कहते हैं, कभी 19 भाग कहते हैं, कभी 6 भाग कहते हैं, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। सूत्र के एक एक शब्द को समझिएगा। भरतः मतलब भरत क्षेत्र कितना है, तो कहा षड्विंशति मतलब 26, पंचयोजन शत मतलब 500 योजन, तो 500 योजन और 26 हुए 526 योजन। ये हमने यहाँ पर ऊपर लिखा भी है 526 योजन, ठीक है। तो 526 योजन ये क्या है, विस्तार रहा, ये भरत क्षेत्र का विस्तार इसमें बताया कि 526 योजन। और फिर यहाँ पर कहा है चा, अगली पंक्ति में लिखा है चा, तो चा मतलब और क्या है, 526 योजन और एकोन विंशति भागा योजनस्य षट, मतलब योजनस्य मतलब एक योजन के, एकोन विंशति भागा 19 भाग करने पर उसके 6 भाग, मतलब 6/19 भाग एक योजन के, मतलब कितना, मतलब ये कि भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 सही 6/19। देखो 526 सही 6/19 ये क्या है, ये है हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार। मैंने सब कुछ मिटा दिया है, यहां पर केवल भरत क्षेत्र का विस्तार मैं लिख रहा हूं, 526 सही 6/19। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार। किसका विस्तार है, ये हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार है। कौन से क्षेत्र का, भरत क्षेत्र। कोई पूछता है आपसे कि भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि भरत क्षेत्र कितना है, भरत क्षेत्र है 526 सही 6/19 योजन है। कितना है, 526 सही 6/19। ठीक है, एक बार फिर से सूत्र को आप समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा है भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः, मतलब कि 26 और 500 योजन, मतलब 526 योजन। ठीक है, अब उसके बाद में कहते हैं षट चैकोन विंशति भागाः, मतलब एकोन विंशति भाग कर दिए, 19 भाग कर दिए हमने योजन के, उनमें से षट मतलब 6 भाग प्रमाण है, यह है, क्या है, यह भरत क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के 6/19 हो गया ये, क्योंकि 19 में से 6 भाग हमें लेना है, तो 6/19 ये हिस्सा हो गया एक योजन का, और 526 पहले से ही थे, तो 526 सही 6/19। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये है भरत क्षेत्र का विस्तार। जिस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, जो भरत क्षेत्र आप सुबह सुबह शांति धारा में अथवा महार्ग में बोलते होंगे कि जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र आर्य खंडे भारत देश, वो पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वो भरत क्षेत्र है कहाँ, यही है, इसी जम्बू द्वीप में है।
और कहाँ है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखिएगा सूत्र नंबर, ये जो 24वां हम पढ़ रहे हैं, इसी में मैं आपको जम्बू द्वीप बना करके बता देता हूँ। ये लीजिए, ये हमने बना लिया है, ये हमारा जम्बू द्वीप हो गया। उसके बाद में यहाँ जम्बू द्वीप में ये 6 पर्वत हैं और क्षमा चाहता हूँ, एक आवश्यक काम आ गया था, इस वजह से वो बात हो गई थी। अब उसको छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं हम जो पढ़ रहे थे। इस चित्र में हमने समझा था कि यहाँ पर पहला एक पर्वत है और पहले पर्वत का नाम है हिमवन नामक पर्वत है। उसके बाद दूसरा एक पर्वत है, ये महाहिमवन नाम का पर्वत है, और हिमवन महाहिमवन के बाद तीसरा जो पर्वत है वो है निषद नाम का पर्वत है, और निषद के बाद फिर ये नील नाम का पर्वत है, उसके बाद में फिर ये रुक्मी नाम का पर्वत है, और उसके बाद में ये शिखरी नाम का पर्वत है। तो ये 6 पर्वत है। इन 6 पर्वतों में 7 क्षेत्रों का विभाग होता है। आप सभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्रमशः 7 क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में जो पहले नंबर का जो क्षेत्र है, कौन सा वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला जिसमें मैं स्केच कर रहा हूं, तो ये जो वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे भरत क्षेत्र। जो सबसे अंतिम क्षेत्र है इसको हम कहेंगे भरत क्षेत्र। यह भरत क्षेत्र है और इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार है 526 सही 6/19 योजन। कितना है, 526 सही 6/19 योजन, ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जैन गणित का एक बहुत अच्छे तरीके से एक हमारे सामने एक छोटा सा नमूना है कि एक आप इसी भरत क्षेत्र के माध्यम से ही आप आगे तक पूरे
मतलब पर्वतों का, और पर्वतों के साथ साथ में इन क्षेत्रों का भी विस्तार जान सकते हैं। जैन गणित में ये जो इन्होंने बतलाया है कि ये भरत क्षेत्र हमारा 526 सही 6/19 योजन भाग है। जब हम इसको मिलाएंगे, मतलब जब हम इसका दुगना करेंगे, जब यहाँ पर भरत भरत के बाद हिमवन नाम का जो ये पर्वत है ये उससे दुगना बड़ा है। हाँ, फिर ये जो है भरत के बाद में हेमवत नाम का एक क्षेत्र है ये उससे भी दुगना बड़ा है। फिर ये पर्वत आता है ये उससे दुगना बड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तर उत्तर बढ़ते जाते हैं, इन सबको यदि हम जोड़ते चले जाएंगे तो जोड़ने के बाद हमारा पूरा जम्बू द्वीप का जो आकार है वो सब 1,00,000 योजन ही निकलेगा। अभी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं और हमें बहुत इसमें बहुत दिमाग के साथ में इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये गणित का विषय है। तो पहले तो 24 नंबर के सूत्र को आप अच्छे से समझ लीजिए कि भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः, मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन है। पंच योजन शत मतलब 500 योजन, षड्विंशति मतलब 26, कुल मिलाकर 526 योजन। और कहते हैं षट चैकोन विंशति भागा योजन से, योजन के एकोन विंशति मतलब 19 भाग करने पर उसके 6 भाग प्रमाण है। जैसे एक योजन के हमने 19 भाग किए और 19 में से केवल 6 को लिया, तो उतना ही भाग केवल और केवल इस भरत क्षेत्र का है। अब आगे और अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है उसके बारे में हम यहाँ पर इस सूत्र में पढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 25वां हम सभी के सामने। आइए हम 25वें नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। ये चित्र को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये चित्र हमारे सूत्र को घेर रहा है। तो ये लीजिएगा, ये पूरा का पूरा सूत्र आ गया है हमारे सामने। अब हम सूत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद फिर इसके अर्थ को समझेंगे। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। सूत्र नंबर 25। यहां पर आपको एक जगह ध्यान रखना है, तद्विगुण और द्विगुण क्या बोलना है, द्विगुण, ठीक है, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा। सूत्र यह जो 25वां है, सूत्र में बताया है अन्य क्षेत्र और पर्वतों के बारे में। क्या है इस सूत्र का अर्थ, तत् मतलब उसके बाद, तत् मतलब उसके उसके किसके, पिछले सूत्र में भरत क्षेत्र की बात चल रही है, 24वें नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा भरतः मतलब भरत क्षेत्र की बात चल रही है, तो कहते हैं तत् मतलब वह कौन, वह या उसके, तो उसके किसके, उसके मतलब भरत क्षेत्र के। द्विगुण द्विगुण विस्तारा दुगने दुगने विस्तारा मतलब विस्तार वाले हैं, वर्षधर वर्षा विदेहांता। वर्षधर मतलब पर्वत और विदे और वर्षा मतलब क्षेत्र। आप कहेंगे वर्षा मतलब क्षेत्र, देखो हमने पहले एक सूत्र पढ़ा हुआ था, भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत इरावत वर्षा क्षेत्राणि। उस सूत्र में मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रों को वर्ष भी कहते हैं। इसमें सबके नाम में भरत वर्ष, हैमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। ये क्षेत्र को ही वर्ष कहते हैं, हम भी तो कहते हैं पूरे भारत वर्ष में। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो यही है और इसी से संबंधित। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि और क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार कितना है। सो उसके बारे में सूत्र नंबर 25वें में इन्होंने बतलाया है, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा, उससे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं कौन, तो
तो कहते हैं वर्षधर मतलब पर्वत, कुलाचल पर्वत, और वर्षा मतलब क्षेत्र, विदेहांताहा मतलब विदेह अंत, विदेह के अंत तक, विदेह क्षेत्र के अंत तक पर्वत और क्षेत्र दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। भरत क्षेत्र से दुगने विस्तार वाले हैं, आगे के पर्वत और क्षेत्र जो हैं वो भरत क्षेत्र से दुगने दुगने हैं। जैसे भरत क्षेत्र के बाद में फिर एक पर्वत आता है हिमवन नाम का, तो वो भरत क्षेत्र से दुगना बड़ा है, दुगना उसका विस्तार है। फिर उसके बाद में हेमवत नाम का क्षेत्र आता है, वो हिमवन नामक पर्वत से दुगना बड़ा है। फिर उसके बाद में महाहिमवन नाम का पर्वत आता है, वो हेमवत क्षेत्र से दुगना बड़ा है। इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाते हैं, पर्वत भी और क्षेत्र भी दुगने दुगने हैं, एक दूसरे से दुगना दुगना इनका विस्तार है। तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, 526 सही 6/19 योजन। और उसके बाद अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है, तो कहते हैं तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, उनका दुगना दुगना विस्तार है। किनका, तो कहते हैं वर्षधर वर्षा, वर्षधर मतलब पर्वतों का, वर्ष मतलब क्षेत्रों का, मतलब पर्वत और क्षेत्रों का दुगना दुगना विस्तार है भरत क्षेत्र से। भरत क्षेत्र के आगे कहाँ तक है, क्या पूरा तक दुगना दुगना ही है, तो कहते नहीं, विदेह क्षेत्र तक दुगना दुगना है, उसके बाद दुगना दुगना नहीं है, उसके बाद दुगना दुगना नहीं है, विदेह क्षेत्र तक का ही बता रहे हैं यहाँ पर। तो केवल उतना ही हमें समझना है, देख लीजिए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। सूत्र नंबर 25वां है, चित्र में आपको फटाफट से बता देता हूं जिससे आप लोगों को समस्या नहीं हो, एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बना लिया हमने अपना भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप, और इस जम्बूद्वीप में अब हम बना लेते हैं हमारे पर्वत और क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर भरत क्षेत्र और हिमवन नामक पर्वत, उसके बाद दूसरा पर्वत आ गया, हिमवन के बाद कौन सा आता है, महाहिमवन, उसके बाद फिर तीसरा आता है निषद, निषद के बाद फिर एक पर्वत आता है नील, उसके बाद फिर एक पर्वत आता है रुक्मी, और उसके बाद एक पर्वत आता है शिखरी। तो कुल मिलाकर के 6 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों के होते होते यहाँ पर बीच में ये जम्बूद्वीप है। मैं इन पर्वतों के नाम भी लिख रहा हूं, और पर्वतों के साथ साथ मैं क्रमशः पर्वतों के साथ साथ लिखते जाता हूँ द्वीप और क्षेत्रों के नाम भी, ठीक है। तो आप लोगों को भूलन जिससे बिल्कुल भी नहीं हो, एक एक चीज क्लियर हो और एक एक चीज समझ में आए, इसलिए ये भरत क्षेत्र हुआ, ये हेमवत क्षेत्र हो गया, ये हरी, इसके बाद चौथा ये हो गया हमारा विदेह, उसके बाद ये हो गया हमारा रम्यक, ये हो गया हमारा हिरण्यवत, और ये सबसे लास्ट में हमारा हो गया है ऐरावत। अब ये तो हो गए हैं 7 हमारे क्षेत्र। उसके बाद पर्वतों के नाम मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, पर्वतों के नाम भी आप लोग बाहर लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से, हिमवन, दूसरा है महाहिमवन, तीसरा है निषद, चौथा है नील, पांचवा है रुक्मी, और अंतिम है शिखरी।
ठीक है, कुल मिलाकर के ये छह हमारे ये नाम हो गए हैं पर्वतों के, तो ये पर्वत हो गए हैं और ये सात हमारे क्षेत्र हो गए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो यह है कि अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है। देखिए जैसे भरत क्षेत्र का विस्तार है, भरत क्षेत्र हमारा कितना है, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 सही 526 सही 6/19 ठीक है, ये हमारा हो गया है भरत क्षेत्र का विस्तार। अब देखना भरत क्षेत्र का विस्तार यदि 526 सही 6/19 है तो उसके बाद पड़ने वाला जो हिमवन नामक पर्वत है वो कितना होगा, वो इससे दुगना होगा, इसका विस्तार भरत क्षेत्र से दुगना होगा। तो कितना होगा, 526 का दुगना करेंगे हम तो 1052 आ जाएगा, 1052.6/19 की जगह 12/19 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा हेमवत नाम का एक क्षेत्र आ रहा है, हेमवत नाम का जो क्षेत्र है वो इससे भी दुगना होगा, वो कितना होगा, 1052.12/19 जो हमने किया है इसको, इसका भी दुगना होगा हेमवत नामक क्षेत्र, मतलब वो होगा 2105 सही 5/19 ठीक है। उसके बाद में फिर एक हमारा ये पर्वत है महाहिमवत नाम का पर्वत है, ये उससे भी दुगना होगा, कितना होगा देखो, इसका भी दुगना करेंगे अगर हम हेमवत नामक जो हमारा ये क्षेत्र है इसका दुगना करेंगे महाहिमवत पर्वत को, तो ये हो जाएगा 4210 सही 10/19 ठीक है। उसके बाद हरि नाम का जो क्षेत्र है ये उससे भी दुगना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8421.1/19 मतलब 8421 सही 1/19 ये होगा इसका विस्तार। उसके बाद आता है निषद नामक पर्वत, तो निषद नामक पर्वत जो है इससे भी दुगना हो जाएगा, तो कितना होगा 16842 सही 2/19। ये सारी गणना आप लोगों को याद नहीं करनी है, समझने के लिए यहां पर बता रहा हूं कि कितना कितना इनका विस्तार है। ये सारी गणना जो है वो सारी की सारी गणना दी हुई है पुस्तक में, जो पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों तक भेजी है या आप लोगों के पास जो पीडीएफ फाइल भेजी गई है उसमें सारी की सारी ये गणना दी हुई है। अब उसके बाद में आता है हमारा विदेह क्षेत्र, तो विदेह क्षेत्र कैसा है भाई, इससे भी दुगना होगा क्योंकि विदेहांत मतलब विदेह क्षेत्र तक कहा गया था, तो विदेह क्षेत्र की फिर विस्तार कितना होगा, तो इससे भी दुगना होगा, 16000 का दुगना करेंगे हम तो आ जाएगा 33684 सही 4/19 इतना योजन आ जाएगा हमारा ये विदेह क्षेत्र का विस्तार। अच्छा, विदेह क्षेत्र के बाद में नील नामक जो पर्वत है, अब यहां से क्या होगा, क्योंकि अब तो बड़ी समस्या है कि भाई इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, तो उसको समझने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नील नामक जो पर्वत है
सो इस नील नामक पर्वत का विस्तार भी उतना होगा जितना हमारे निषद नामक पर्वत का है। तो निषद का कितना है ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, 16,842 सही 2/19। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है रम्यक का, तो रम्यक का विस्तार कितना होगा, रम्यक का विस्तार होगा इसका आधा 8,421.1/19। ठीक है, अब यहां पर फिर आता है, इसके बाद फिर आता है कौन सा पर्वत, आता है रुक्मी नामक पर्वत। तो रुक्मी नामक पर्वत का विस्तार कितना होगा, 4,210 सही 10/19। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे रुक्मी नामक पर्वत का विस्तार। उसके बाद हैरण्यवत नामक क्षेत्र है, इसका विस्तार कितना होगा, इसका होगा 2,105 सही 12/19, सॉरी 5/19 हो जाएगा। उसके बाद शिखरी नामक जो पर्वत आ रहा है, शिखरी नामक पर्वत का विस्तार कितना होगा, ये हो जाएगा 1,052 सही 12/19। उसके बाद ऐरावत जो क्षेत्र है इसका विस्तार कितना होगा, इसका विस्तार होगा 526 सही 6/19। ये योजन, इतना योजन जो है इसका विस्तार होगा, किसका, ऐरावत क्षेत्र का इतना विस्तार। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा, ये आंकड़े, ये सारी संख्याएं, ये पूरा विस्तार हमारे सामने ज्यों का त्यों आ गया है, जिससे हम ये समझ सकें कि किसका कितना विस्तार है इन सब सारे द्वीप और सारे समुद्रों का। अच्छा एक बात और आपको बता देता हूँ, इन सबको जब आप जोड़ लेंगे ना, पूरे पर्वत और पूरे क्षेत्रों के विस्तार को जब आप जोड़ेंगे, तब आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा टोटल 1,00,000 योजन। मतलब जैन गणित कितना प्रमाणिक है, इसकी प्रामाणिकता पर भी आपको बिल्कुल भी जरा सा भी संदेह नहीं रह जाएगा। वैसे संदेह तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको सिद्ध करने का एक जरिया यहाँ पर एक छोटे रूप में हमें मिल चुका है और समझ में आ रहा है कि भरत क्षेत्र का विस्तार, उसके बाद हिम्बन नामक पर्वत उससे दुगना बड़ा, फिर उससे दुगना बड़ा हेमवत नामक क्षेत्र, फिर महाहिम्बन पर्वत उससे दुगना बड़ा, फिर हरि नामक क्षेत्र उससे दुगना बड़ा, फिर उससे भी दुगना बड़ा निषद नामक पर्वत, तो विदेह क्षेत्र उससे भी दुगना बड़ा। इस प्रकार से फिर ऐसे ही कम कम करते चले जाएंगे, आधा आधा करते जाएंगे, ऐरावत क्षेत्र तक जब अपन ऐसा करते चले जाएंगे, तो पूरा जो गोल जो आकार हमारे सामने आएगा, ये पूरा का पूरा आकार जम्बू द्वीप का 1,00,000 योजन का आकार हमारे सामने आ गया है। मैंने आपको ये बता दिया है चित्र के माध्यम से भी, एक एक चीज आपके सामने रखी हुई है। ये पुस्तक भी है, इस पुस्तक जो मैंने इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की थी, और ग्रुप जो हमारा है व्हाट्सएप वाला, उसके आप यदि ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन में मैंने एक लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास यदि बाद में जुड़े हैं पुस्तक नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर उसके बाद सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, सब कुछ उसमें सारा वर्णन है, आप अच्छे से पढ़ेंगे और स्वाध्याय करेंगे तो एक एक तत्व आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद एक और सूत्र आता है 26वें नंबर का, उस सूत्र को मैं सोचता हूँ कि अभी और पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आज की जिनवाणी स्तुति करेंगे। 5 मिनट अभी हमारे पास है। चलिए 26वें नंबर का एक सूत्र है, सूत्र को और पढ़ लेते हैं। सूत्र नंबर 26, 26वां है ये, देखिएगा। यहां सबसे ऊपर मैं इसको निकाल देता हूं, ये देखिएगा।
उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्तर में जो जो कुछ भी है, जम्बूद्वीप के उत्तर में जो कुछ भी है, दक्षिण तुल्य, दक्षिण के बिल्कुल बराबर है। पर्वत हो, कमल हो, उस पर चाहे चाहे क्षेत्र हो, उनका आकार हो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल बराबर ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये इन्होंने जो बताया है वो हम पहले से समझ भी रहे थे, लेकिन इस सूत्र में इन्होंने पूरा बता दिया कि उत्तर में जो कुछ भी है विदेह क्षेत्र, क्योंकि जितने भी सूत्र अभी तक चल रहे थे सब में केवल विदेह क्षेत्र तक की बात इन्होंने करी थी कि यहाँ तक दुगना दुगना है, इसको समझना है। अब इसके बारे में कह दिया कि उत्तर में जो कुछ है वो सब दक्षिण के बराबर है, मतलब यहाँ तक हमने दुगना दुगना किया विदेह क्षेत्र तक, विदेह के बाद फिर आधा आधा करते चले जाएंगे तो सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पर हमें समझ में आ जाती है इस 26वें नंबर के सूत्र के द्वारा। आज हमारा समय हो चुका है, इसलिए हम आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सूत्र हम कल पढ़ेंगे और जो बचे हुए सूत्र हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति करके यही कक्षा को समाप्त करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव साख्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्य मानस्य ममास्तु देवी। बोली द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।